एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने 450 बताया था वहाँ तक तो आगे है मार्केट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले लिया और मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा था कि क्लोजिंग प्राइस है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग सीरीज की एक करना एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का डेट है फ्राइडे 19 जुलाई एंड टाइम 9:25 हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है। आज स्लाइडली गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया था, देखिए यहाँ तक यानी 52,350 तक, बट ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, मेजर ट्रेडिंग जोन है राइट यहाँ पे। इसके अगर नीचे आ जाते हैं तो हमारा भी व्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा, यहाँ पे हम बियरिश व्यू लेके चलेंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 52,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, तो अगर मार्केट 350 के अबव है तो यहाँ पे हमको क्या व्यू लेना चाहिए, लॉन्ग। एंड टारगेट कहाँ तक, 52,600। और मार्केट एक बार भी ये दोनों लेवल्स को ब्रीच नहीं कर रहा है, 650 एंड 200 बेसिकली एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है एंड क्लोजिंग भी इसी के बीच हो रहा है, एवरीडे तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आज का कैंडल अगर देखें तो बिल्कुल एक अभी का प्राइजेक्शन इट्स लुक्स बुलिश, बट एक इंडिसिशन पैटर्न की जैसा बन रहा है कैंडल तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अभी हम प्रॉपर यहाँ पे करंट प्राइजेक्शंस को देखते हुए एंट्री लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जिस तरह की क्वेश्चंस मिल रहे थे कि सर आप चार्जेस भी बता दिया करिए, कितना चार्जेस लगता है। कल के दिन हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। 5,657 एंड नेट PNL देखिए 5,000, दैट मीन 600 के आसपास यहाँ पे चार्जेस गया। ओके, ये देखिए ट्रेड्स। तो चलिए अभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन कौन सी साइड जाना चाहिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें, इसने 350 तक गया था बट वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यानी मेजर ट्रेडिंग जोन से सपोर्ट ले लिया। हालांकि अभी भी देखिए ये ओपनिंग प्राइस के नीचे है, सेंट्रल पिवोट के नीचे, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए मेरा जो व्यू है ना वो स्टिल अभी बीआरसी है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर ना आ जाए तो छोटा सा रिस्क के साथ यहाँ पे एक बार एंट्री बनाया जा सकता है, छोटा सा। ओके, क्योंकि अभी का प्राइजेक्शन देखते हुए साइड चूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलो मैं यहाँ पे एक बार पुट साइड का एक पोजिशन बनाता हूँ 52,500 एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस एक बिल्कुल फिक्स्ड होंगे। थोड़ा सा कैंडल यहाँ पे ऊपर में क्लोज देगा तो मैं इसको स्क्वेयर्ड अप कर दूंगा। एंड ओपनिंग प्राइस को टेस्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था, सो दिस इज द रीजन मैं यहाँ पे पोजिशंस बनाया। अभी यहाँ तक इंतजार करने के बाद तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मार्केट तो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 500 के ऊपर आ गया है। चलो फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा मूव दिखा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, 200 समथिंग प्रॉफिट, क्योंकि अभी जो जिस तरह की कैंडल है ना जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये देखिए इंडिसिशन जैसे कैंडल बन रहा है, इसमें ट्रेड करना, एक रेंज पे ही मार्केट है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी SL को मैं तो जस्ट यहाँ पे 518, अभी 500 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, ग्रेट। मार्केट को यहाँ से अगर यहाँ तक भी ड्रॉप करे तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा एक बार। अभी उतना स्ट्रांग व्यू नहीं है कि बीआरई साइड जाएगा मार्केट, एक मिडिल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए छोटा टारगेट एंड छोटा SL रखना पड़ेगा। ओके, मैं एग्जिट कर लिया, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे भी लॉस मेरा यहाँ तक ही था इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। एंड यहाँ पे भी देखो 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट लेके हम निकल रहे हैं, एंड पहला ट्रेड हम कर चुके हैं डन। अब हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये देखिए वहाँ से फिर नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट जब लेवल को ब्रीच करते हैं, ब्रीच मतलब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए मार्केट बेसिकली सेम लेवल में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये दोनों लेवल को ब्रीच ना करे ना, मतलब ये जो लेवल है ना बार बार यहाँ पे 200 में सपोर्ट ले रहा है एंड 650 में रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल्स अगर ब्रेक कर देते ना तो नया मूव देखने को मिलते हैं, और ऐसे ऑप्शन बायर हमको चाहिए मोमेंटम प्राइस में, तभी यहाँ पे प्रीमियम दौड़ेगा एंड हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। सो लेट्स वेट, पहला ट्रेड तो हो चुका है डन, मार्केट फिर से यहाँ पे 500 के आसपास आके सस्टेन कर रहा है, क्या हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक कर देगा, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को एक क्रूशियल प्राइस पॉइंट होता है, क्लोजिंग प्राइस ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होंगे, जैसे ये इसके ऊपर आएगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे वन मोर टाइम मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ सेम स्ट्राइक, एंड यहाँ से जो भी प्रॉफिट हमने कमाया 1,000 रुपीज़ पहला ट्रेड से, उतना ही रिस्क है, अदरवाइज मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, अगर 1,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट कमाया था वो अगर चला जाते उतना ही रिस्क है। अभी देखिए 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड से भी,
अभी देखिए प्रॉफिट बड़ा या लॉस बड़ा एक्सपेक्ट करना नहीं पड़ेगा, 1:1 में भी एग्जिट करना पड़े तब भी कर लेना चाहिए। कल 700 लॉस लिया लेकिन 2500 प्रॉफिट में हमने एग्जिट, कल का मूव था मार्केट में। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि एवरीडे एक जैसा मूव नहीं आएगा, एक जैसा प्रॉफिट लेके आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अलग अलग होते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करो, प्राइस को ऑब्जर्व करो, चार्ट को देखते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो कि आज कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट या कितना ट्रेड लेना चाहिए। ये चीज़ें आएगा जब आप प्राइस को ऑब्जर्व करते हो, मार्केट के साथ टाइम बिताते हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था 700-800 के आसपास, पॉज ले रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल एक यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल डोजी जैसा कैंडल्स बना रहा है और ऐसे भी पार्टिसिपेशन कम होती है फ्राइडे को कंपैरेटिवली। ये जो ट्रेड है ना ये बेसिकली जबरदस्ती ट्रेड हो रहा है क्योंकि मोमेंटम है नहीं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फिर भी यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए लिया क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको होल्ड कर सकता, इसलिए एंट्री लिया। लेकिन ऑप्शन बायर को ये अवॉइड करना चाहिए, मोमेंटम होने दो मार्केट में, मोमेंटम कैंडल जैसे ही बनेगा तब जाके लो एंट्री साइड चूज करके तब ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अभी भी देखो प्रीमियम में थोड़ा सा उछल देखने को मिल रहा है बट प्राइस हायर साइड में ही है, 500 ओपनिंग प्राइस के अबव एंड क्लोजिंग प्राइस के बिलो, तो कुछ भी हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा दैट्स वाई हम इसको अभी तक होल्ड कर रहे हैं। चलो यहाँ पे फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश, 1000 रुपीज प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में भी। $500 के बिलो अगर सस्टेन कर जाए तो एक बड़ा मूव यहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो इसको मैं तो होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। 1300 प्रॉफिट चल रहा है, ओके ओके, थोड़ा और बड़ा मूव 2600, एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने 450 बताया था वहाँ तक तो आ गया है मार्केट, नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो हम सेकेंड पोजीशंस और बना सकते हैं। एक बार मैंने एग्जिट इसलिए ले लिया, ओके। अभी इस ट्रेड से भी हमने 1600 रुपीज प्रॉफिट बना चुके हैं, इट्स ओके इट्स कूल, थोड़ा रिट्रेस लेने दो या फिर मार्केट को थोड़ा निकालने दो। अभी जिस जोन पे है ना यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले लिया और मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा था कि क्लोजिंग प्राइस है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा सेट है कि क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाया जा सकता है, ओके। स्टिल इट्स गोइंग हायर यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने होल्ड नहीं की, 52,500 के आसपास जैसे आया मैंने एग्जिट ले लिया। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 100 पॉइंट का रिट्रेस ले लिया, राइट, यहाँ पे जो मुझे लग रहा था। एंड प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम इसने 543 तक इसने लो लगाया। सो अभी अगर ट्रेड की बात करें तो डर लग रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए इस सिनारियों में। डायरेक्शन तो अभी भी BRC है। हे गाइस अभी देखिए सही जगह पे मिल रहे हैं, अभी टाइम क्या है 10:28, यहाँ तक इसने हाई लगाया था, कहाँ तक, यहाँ तक। मैं बिल्कुल इंतज़ार की 655 हाई लगा के, अभी देखिए 100 पॉइंट डाउन प्रीमियम मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट भी चल रहा है बट इसको ज़्यादा होल्ड करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग प्राइस के आसपास आके फिर से इसने सपोर्ट ले लिया। मार्केट एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना आज के दिन। सो ज़्यादा बिल्कुल स्कैल्पिंग होंगे, एग्जिट करते हैं। छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे कमा लिया है 500 समथिंग। यहाँ पे आप एक्सेल शीट में ट्रेड वाइज जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ओके। चलो लास्ट ट्रेड, जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में हम 5 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप भी एक सेट करके रखिए कि डेली बेसिस आप कितना ट्रेड लोगे, उससे ज़्यादा आप ट्रेड कभी भी मत करिए, ठीक है। 5 ट्रेड जैसे ही आपका
डेली लिमिट रीच करोगे तो एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक करके, लॉस बुक करके सिस्टम को क्लोज कर दो। नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस दिन आप काम करो। और ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, सुबह का एक घंटा या डेढ़ घंटा मार्केट को टाइम दो, उसके बाद शाम को आके थोड़ा बहुत रीड करो, चार्ट प्राइस एक्शंस देखो, हिस्ट्री में क्या हुआ था जब मेजर ट्रेडिंग जोन प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा था कि नहीं। इस तरह अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा प्राइस एक्शन एंड आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। सो अभी टाइम देखिए 10:48 एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का आज का जो चार्ट है ना, इस तरह की अगर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करे तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट। हर उनकी डाउन ट्रेंड मतलब जिस तरह की मूव है, डाउन साइड में हर जो स्विंग लो है वो सेम प्राइस पॉइंट पे है, बट अपर साइड अगर स्विंग हाई देखोगे तो डाउनवर्ड्स की तरफ, तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसकी अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो नीचे की तरफ, क्योंकि मेजर ट्रेडिंग जोन के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, सेंट्रल पिवट के नीचे, तो नीचे और जा सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जो कि 200 में है। 150 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड लास्ट ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे, देन सेशन को करेंगे क्लोज। और अगर आपको सीखना है तो गाइस आप ये जो कोर्सेस है आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पे जाओ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है तो यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे आने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें देखो, जैसे कि सीपीआर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, वर्जन सीपीआर रिवर्सल स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए, तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओवरऑल शुरू से लेकर मैं सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको ऑप्शन के बारे में सीखना है, ऑप्शन ABCD से लेकर बिल्कुल स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन डेट, ओपन इंटरेस्ट, सारे चीज़ें आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर आप मार्केट में हो तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बहुत शिद्दत से बनाया और ये बिल्कुल फ्री है हमारे कस्टमर के लिए जो हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू एंड आफ्टर अकाउंट ओपन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड देन बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। ग्यारह बज के 5 मिनट अभी आप देखोगे ये जो इसने हाई लगाया 800 तक इसने हाई लगा दिया, मतलब मुंह मिल नहीं रहा था। यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन, जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन डिसेंडिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है एंड अभी 200 को इसने टच कर दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे पोजीशंस बनाने जा रहा हूँ और ये होगा हमारा लास्ट पोजीशन। सो चलो पोजीशंस तो हमने बना लिए हैं, थोड़ा सा लॉसेस भी हो रहा है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं प्लेस करना चाहूँगा कि लाइक या अगर इसके नीचे आए 6-7-8 तो हम एग्जिट कर देंगे। ओके लास्ट ट्रेड देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, जो मैं एवरी टाइम कह रहा हूँ कि 52,200 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट, सेम जगह पे ले रहा है सपोर्ट। ब्रेकडाउन होना चाहिए, मतलब कितने दिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लास्ट 20 डेज सेम जो पैटर्न है उनको फॉलो कर रहे, सेम रेंज पे ट्रेड हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे देखो फाइनली आके SL हिट कर दिए हैं, मार्केट सपोर्ट ले लिया बिल्कुल यहाँ पे 200 में एंड SL हिट हो चुका है। सेशन को करते हैं क्लोज, यहाँ पे तो 600 समथिंग चार्ट जैसे ही चला जाएगा, एवरीडे प्रॉफिट नहीं होंगे। मैं बेसिकली धन में ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे भी 44,000 के आसपास आज हमने प्रॉफिट बनाया। उस सीरीज को भी आप फॉलो करिए अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर अकाउंट ओपन ये जो कोर्सेस है ये कोर्सेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और फायर्स में अभी ऑफर चल रहा है 7 डेज ब्रोकरेज कंप्लीटली फ्री, तो दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।